बच्चों, अब हम यहाँ पर सीखेंगे हमारे दूसरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, जिसका नाम है एल्गी। तो एल्गी टॉपिक को समझने से पहले हम यहाँ पर एक रिकॉल टेस्ट देखेंगे, ताकि अभी तक आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं उन्हें आप इस रिकॉल टेस्ट के थ्रू रिवाइज या रिकॉल कर सकें। और हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय ए जॉर्ज बेंथम, बी कार्ल लिनियस, सी सर जोसेफ टेल्टन हुकर, डी आर एच विटेकर। तो आपको ये बताना है कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेस्ड अंडर प्लांट किंगडम, ए यूग्लेना, बी ब्लू ग्रीन एल्गी, सी पैरामीशियम, डी ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म हम प्लांट किंगडम के अंदर नहीं रखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बेंथम एंड हुकर आर क्रेडिटेड फॉर प्रपोजिंग ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बी एनिमल क्लासिफिकेशन, सी डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड डी सेल थ्योरी। तो जो बेंथम एंड हुकर हैं उन्हें हम कौन से क्लासिफिकेशन के लिए क्रेडिट देते हैं। हम यहाँ पर वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करेंगे, ताकि आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लें। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ए फाइलोजेनी, बी फाइलोटैक्सी, सी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, डी साइटोजेनेटिक्स। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो किन पर बेस्ड है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कीमोटैक्सोनॉमी यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पैरामीटर ऑफ क्लासिफिकेशन, ए नंबर्स एंड कोड्स, बी केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, सी क्रोमोसोम एनालिसिस, डी नन ऑफ दीज। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो कीमोटैक्सोनॉमी है वो कौन से पैरामीटर को यूज करती है क्लासिफिकेशन के लिए। हम यहाँ पर वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, ताकि आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और अपना आंसर लिख लें। और हमारे आंसर्स हैं ये, सॉल्यूशन 1 डी, सॉल्यूशन 2 डी, सॉल्यूशन 3 ए, सॉल्यूशन 4 सी, सॉल्यूशन 5 बी।